5 सेकेंड, 2 सेकेंड, रेडी। दिल्ली की एक अदालत की ओर से दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया के आसपास नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुई भीषण हिंसा में आरोपित 11 लोगों को जिस तरह आरोप मुक्त कर दिया गया, उससे कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर मिलना आवश्यक है, क्योंकि अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पुलिस हिंसा के असली षड्यंत्रकारियों को पकड़ने में असफल रही। दिल्ली पुलिस को या तो अदालत के फैसले को चुनौती देनी चाहिए या फिर यह बताना चाहिए कि वह अपराधियों तक पहुंचने में नाकाम क्यों रही। यह स्वीकार नहीं कि दिल्ली पुलिस अदालत के फैसले को स्वीकार कर ले और हिंसा के गुनाहगारों की खोजबीन ना करे। यदि ऐसा कुछ होता है कि हिंसा के दोषियों का दुस्साहस और अधिक बढ़ेगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा की शुरुआत जामिया मिलिया इस्लामिया के आसपास से ही हुई थी। यह हिंसा दिल्ली ही नहीं देश को भी दहलाने वाली थी। इसके बाद दिल्ली के साथ देश के अन्य इलाकों में भी हिंसा भड़क उठी थी। अदालत ने आरोप मुक्त किए गए लोगों को जिस तरह बलि का बकरा बताते हुए असहमति को प्रोत्साहित करने की बात कही, उसे हजम करना आसान नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा असहमति व्यक्त करने के बहाने ही की गई थी और इस दौरान जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी। यदि आगजनी तोड़फोड़ और हर किस्म की अराजकता को भी असहमति के कारण में ढक दिया जाएगा तो कानून के शासन के साथ लोकतंत्र को भी संचालित करना कठिन हो जाएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया हिंसा मामले में अदालत भले ही दिल्ली पुलिस के निष्कर्षों के विपरीत पहुंची हो, यह एक तथ्य है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के लिए जो भड़काऊ बयानबाजी की गई थी, उसी ने हिंसा का वातावरण पैदा किया था। स्पष्ट है कि अराजकता फैलाने वाले किसी कृत्य को असहमति की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यह पहली बार नहीं जब अराजकता के मामले में किसी अदालत ने पुलिस के आरोप पत्रों को खारिज किया हो। इस तरह के मामले सामने आते ही रहते हैं। कई बार ऐसे मामले चौंकाते भी हैं। ऐसे मामलों में केवल यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, निसंदेह इसकी आवश्यकता है और इसे लगातार महसूस भी किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ असहमति के अधिकार की नए सिरे से व्याख्या करने की भी जरूरत है। अभी तो ऐसा लगता है कि जांच एजेंसियां और अदालतें असहमति को अलग अलग तरीके से देखती और परिभाषित करती हैं। शायद यही कारण है कि असहमति के नाम पर हर तरह की अराजकता देखने को मिलती रहती है।